फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से आप पैटर्न लॉक को रिमूव कर सकते हैं, वो भी अपने जियोनी मैक्स के मोबाइल में। तो सबसे पहले अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करेंगे। स्विच ऑफ करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन दोनों को एक साथ में प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, तो ध्यान रखिएगा ये जो वॉल्यूम अप बटन है उसको दबाना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से प्रेस कर लिया है, उसके बाद ये रिकवरी मोड आ गया है। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पावर बटन, ये वाला जो वॉल्यूम डाउन बटन होता है, इसको आप नीचे की तरफ लाएंगे और यहाँ पे फैक्ट्री वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट होगा, तो उस पर आपको इससे पावर बटन से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ लाना है, फिर इस बटन से आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका जो रीसेट होना शुरू हो जाएगा और आपका फ़ोन कुछ ही क्षण में आपका रीसेट हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में घंटी का ऑप्शन आया तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जियोनी मैक्स है और इसको मैं पैटर्न लॉक को रिमूव कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर आपको रिबूट का ऑप्शन आ गया, तो इस पर फिर से क्लिक करेंगे और ये रिबूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ ही क्षण में आपका जो पैटर्न लॉक है रिमूव हो जाएगा। और सेटअप के साथ बताऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा रीसेट करने के बाद इसको सेटअप कैसे कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ पे ये इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, ये स्विच ऑन हो गया है, जियोनी लिखा हुआ है और जियोनी का यहाँ पर उल्टा जी लगाया हुआ है यहाँ पर। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, रीसेट करने से पहले एक चीज़ का बात और ध्यान रखना है कि आपका बैटरी परसेंटेज 50 से ऊपर होना चाहिए। इस बीच में अगर आपका जो प्रोसेस रुक गया तो आपका जो प्रॉब्लम आ सकता है और आपका फ़ोन ख़राब भी हो सकता है। तो सोच समझ के आप रीसेट करें और उस टाइम में आपका बैटरी परसेंटेज 50 से ऊपर होना चाहिए, तभी आप इसे रीसेट करें, ठीक है फ्रेंड्स। इस पर क्लिक करना है, स्किप कर देना है यहाँ से। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आता है, तो इस पर क्लिक कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेटअप करना बहुत ही आसान होता है, इन सभी को बंद कर देना है ताकि बैकग्राउंड में कुछ भी प्ले ना हो। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे स्किप का बटन आएगा, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, स्किप फिर से क्लिक कर दीजिएगा और ये आपका फ़ोन फुल्ली रीसेट मतलब सेटअप होना शुरू हो जाएगा। और ऊपर में लिखा हुआ आएगा जस्ट अ मोमेंट, तो थोड़ा वेट करें, ये लोड ले रहा है। जितने भी एप्लीकेशंस वगैरह होता है और बैकग्राउंड में सिस्टम जो होता है उसको लोड लेता है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ क्योंकि 2-3 सेकंड और लगेगा, मतलब 10-20 सेकंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनली इस टाइप का ऑप्शंस आ गया, उसके बाद इस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से इस पे क्लिक करेंगे, ये जो एरो दिख रहा है इस पे क्लिक करना है और ये आपका फ़ोन फुल्ली रीसेट हो चुका है। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय, टेक केयर।